तो उससे काफी मिलता जुलता है लेकिन अगर वो याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं यहाँ पे हम शुरू से मतलब बेसिक से समझेंगे लाइक लाइट साउंड ऑल्सो बाउंस बैक वेन इट फॉल्स ऑन अ हार्ड सर्फेस इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पहली बात तो रिफ्लेक्शन होता क्या जैसे जब हम लाइट की बात करते हैं तो जब हम एक जगह पे लाइट

रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब हम साउंड की बात कर रहे हैं अब कह रहे हैं जैसे लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं वो तो दिख जाती है आराम से इसी तरीके से साउंड भी रिफ्लेक्ट करता है मतलब बाउंस बैक करना जब कोई चीज हिट करके आपके ऊपर वापस आ रही है या किसी भी चीज पे वापस आ रही है दैट इज बाउंस बैक करना सो so, लाइट की तरह ही साउंड आल्सो बाउंस बैक व्हेन इट फॉल्स ऑन अ हार्ड सरफेस जब एक हार्ड सरफेस पे जैसे अभी यहां दिख नहीं रहा फील नहीं होता लेकिन मेरी साउंड यहाँ हिट करके रिफ्लेक्ट बैक करती है इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड तो वो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है अब जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होते हैं सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होते हैं मतलब इसके भी कुछ लॉज होते हैं सिंपल से दो तीन लॉज हैं पढ़ लेते हैं द अब देखो यहाँ पे फिगर भी देख लो अब हम कह रहे हैं हमें बनाई देती हूँ एक यहाँ पे मान लो ये हमारा हार्ट सरफेस है ठीक है साउंड जो है वो यहाँ से यूं गई और अब यहाँ से हिट करके वो वापिस आ रही है इस तरीके से तो यहाँ से यहां तक गई एंड हिट करके बाउंस बैक हुई यहाँ पे आई ठीक है सो ये थे हमारी जो हमारी ओरिजिनल इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे या इंसिडेंट साउंड वेव क्योंकि साउंड चैप्टर है ये जो वापस आई है ये हमारा होता है रिफ्लेक्टेड साउंड वेव पे देखो दिस इज द इंसिडेंट साउंड वेव और यहां से रिफ्लेक्ट होके जब वो वापस आई है तो वो होती है रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड इसके बीच में बिल्कुल सेंटर से अगर मैं यहां से लाइन डालू तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल ठीक है normal, अब ये इंसिडेंट वाला और ये नॉर्मल वाला इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोला जाता है मतलब आई और इस नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड वाली साउंड वेव के बीच का जो एंगल होता है वो होता है एंगल आर ठीक है अब जो लॉज है उनको समझते हैं द इंसिडेंट साउंड वेव द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड द नॉर्मल तीनों चीजें समझ आ गई ना क्या है ऑल लाई इन द सेम प्लेन एक सेम प्लेन पे वो लाई करती है नाउ द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ इंसिडेंट साउंड वेव इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्टेड साउंड दैट इज आई इक्वल्स टू आर मतलब सिंपल वर्ड में ये जो हमारा एंगल आई होता है ये हमेशा इक्वल होता है एंगल आर के जितना ये अगर सिक्सटी डिग्री बना रहे हैं तो ये भी सिक्सटी डिग्री बनाएगा क्लियर समझ में आ गया सो so, ये है अबाउट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड वॉट आर दी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड अब इसी के साथ थोड़ा सा सेशन लंबा हो जाएगा बट यहाँ पे मैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले रही हूँ वन इज एक् एंड द अदर वन इज रिवाब्रेशन तो दोनों टॉपिक्स पे समझेंगे एक्ो वर्ड जो है वो इको इसको इको भी बोलते हैं एको भी बोल देते हैं सो प्रनाशन पे मत जाओ समझने पे जाना एक् की जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं आपने कभी सुना नहीं है कि ये एक्ो क्या होता है अगर कभी आप ऐसे माउंटेन्स वगैरह वाली जगह पे ट्रेवल किया होगा सो so, अगर वहाँ खड़े हो सामने पहाड़ी पहाड़ी जब तो अपना नाम चिल्लाओ जैसे अगर मैं वहाँ पे बोल रही हूँ हाय तो उसमें क्या होता है हाय 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 सो so, मतलब हमारी जो साउंड है जो हम बोल रहे हैं वो रिपीट होके हमें सुनाई देती है दो तीन बार और हर बार थोड़ा थोड़ा सा साउंड उसका वॉल्यूम उसका कम हो जाता है लेकिन वो होता है एको सो वेन वी हियर द सेम साउंड अगेन एंड अगेन इन अ मीडियम इट इज़ कॉल्ड एको तो उसको हम बोलते हैं एको मतलब कहीं जाके साउंड रिफ्लेक्ट हो रही है एंड हमें दोबारा से सुनाई दे रही है और वो भी दो तीन बार ठीक है ना सो so, वो हो गया हमारा एको पढ़ लेते हैं दो तीन चीजें समझने वाली हैं यहाँ पे वी कैन हियर एक् वेन देयर इज अ टाइम गैप ऑफ जीरो पॉइंट वन सेकेंड जीरो पॉइंट वन सेकेंड बहुत कम है बट दिस इज इंपॉर्टेंट टाइम गैप होना चाहिए जीरो पॉइंट न सेकेंड का क्योंकि ऐसे माना जाता है कुछ भी हम बोलते हैं कोई भी साउंड हमारे पास आती है तो जीरो पॉइंट वन सेकेंड तक स्टे करती है सो इन ओरिजिनल साउंड एंड एको मतलब जो ओरिजिनल साउंड है मेरी और जो एको आएगा उसमें जीरो पॉइंट वन सेकेंड का गैप होता है नेक्स्ट एको इज प्रोड्यूस वेन साउंड रिफ्लेक्ट फ्रॉम अ हार्ड सर्फिस दैट इज ब्रिक वॉल माउंटेन एटसेक्ट्रा एज सॉफ्ट सर्फिस टेन टू एब्जॉर्ब साउंड और ये कहाँ पे एको क्रिएट होता है तो मतलब खड़े हो तो वहां भी एको प्रोड्यूस होता है अब जब मैं डिस्टेंस की बात करती हूँ ना तो एक पॉइंट और आता है कि भाई जो डिस्टेंस है ना वो भी कम से कम सेवेंटीन मीटर्स का होना चाहिए मतलब अगर हम जैसे माउंटेन्स है उसमें तो ऑफकोर्स बहुत सारा डिफरेंस है लेकिन जब हम वॉल की बात करते हैं तो जो हमारा मिनिमम डिस्टेंस है कि एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए दैट इज 17 मीटर मतलब उस वॉल और मेरे बीच में 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए तभी प्रोड्यूस होगा अब यहाँ पे ये डिस्टेंस 17 मीटर ही क्यों है उसके लिए हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल समझेंगे सो so, ये कर लेते हैं क्लियर एंड आगे चलते हैं आप डिस्टेंस 17 मीटर ही क्यों होगा उसके लिए हमारे पास न्यूमेरिकल है देखो स्पीड हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम ये हमें पता है इसको फटाफट से समझेंगे हेअर स्पीड ऑफ साउंड जब हम स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की बात करते हैं तो वो होता है थ्री मीटर पर सेकेंड एट ट्वेंटी ट्वेंटी टू डिग्री सेल्सियस ऑल्सो टेम्परेचर भी मैटर करता है हमारे साउंड की स्पीड वगैरह में ये हम पहले ही पढ़ के आए हैं सो एट टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस जो स्पीड होती है थ्री फोर्टी फोर मीटर पर सेकेंड होती है टाइम अभी हमने डिस्कस किया होना चाहिए अब अगर मुझे यहाँ पे पता है थ्री फोर्टी फोर मीटर पर सेकेंड वैसे हो रखा है बट मैं थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ टाइम होता है जीरो पॉइंट वन सेकेंड जो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है डिस्टेंस का क्या फॉर्मुला बनता है स्पीड इंटू मतलब इन दोनों को कर दो 344 को किया जीरो पॉइंट वन से हमारे पास आ गया थर्टी फोर पॉइंट फोर मीटर कहोगे okay? मैम अभी तो आप बोल के आए हो सेवनटीन मीटर चाहिए यहाँ पे आ रहा है थर्टी फोर पॉइंट फोर क्या चक्कर है यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस आया उसमें क्या हुआ यहाँ से आवाज गई हिट करके रिफ्लेक्ट बैक हुई तो क्या हो रहा है एक डिस्टेंस ये ट्रेवल हुआ एक डिस्टेंस ये ट्रेवल हुआ हम यहाँ पे सिंगल ये डबल डिस्टेंस हम सिंगल डिस्टेंस की बात करें तो उसके लिए अगर ये दो का डिस्टेंस है हम हाफ कर देंगे सो थर्टी फोर पॉइंट फोर को जब हम हाफ करेंगे तो आ जाएगा सेवनटीन पॉइंट टू जो कि विच इज इक्वल टू मतलब मान लो सेवनटीन मीटर ही डिस्टेंस है तो यहाँ सेवेंटीन मीटर आया ऑल्सो टेम्परेचर भी ट्वेंटी टू डिग्री सेल्सियस होना चाहिए इतना मिनिमम डिस्टेंस होगा तभी आप एको प्रोड्यूस कर पाओगे ठीक है सो ये था अबाउट एको इसको कर देते हैं रब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है रिवर्बेशन का वो भी मैं इसी सेशन में लेने वाली हूँ सो so, उसके लिए समझ लेते हैं एक चीज सो so, रिवर्बेशन को समझने के लिए यहाँ पे पहले ये दो ऑडियोज हैं इनको पहले सुन लेते हैं यहाँ पे मैं फर्स्ट प्ले कर रही हूं देखो हेलो 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 सुनाई दिया क्या हो रहा है एक बार से फिर से प्ले करेंगे करना प्ले हेलो हेलो सो ये हमारा क्या है एको है हेलो 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 हमें सुनाई दे रहा है सेम वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है अब डिफरेंस क्रिएट होगा जब हम रिवर्बेशन सुनेंगे इसको प्ले करो हेलो अब यहाँ पे क्या हो रहा है आवाज खिंचती हुई जा रही है लेकिन पूरा वर्ड रिपीट हमें नहीं समझ आ रहा है. एक बार दोनों दोबारा से प्ले करते हैं एको प्ले करेंगे अगर हेलो 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 सेम वर्ड बार बार रिपीट होके साउंड कम होता जा रहा है लेकिन सुनाई दे रहा है दैट इज एक्को और रिवर्बेशन की बात करें फिर से प्ले करते हैं सो so, हेलो इसको बेसिकली बोलते हैं आवाज़ जब गूंजती है यूजली जब भी एक खाली कमरा होता है तो हम बोलते हैं यहाँ पे बोल रहे हैं ना एको प्रोड्यूस हो रहा है एक्चुअल में वो एक्ो प्रोड्यूस नहीं होता दैट इज रिवर्बेशन जब हमारी आवाज़ गूंजती है कोई भी खाली जगह जहाँ पे होती है फर्नीचर्स नहीं होते या अगर इमेजिन कर लो कि दीवारें भी ईटो की है पेंट वगैरह मतलब कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो साउंड को एब्जॉर्ब करती है वहां पे हमारी आवाज़ गूंजती है और आवाज गूंजना मतलब दिस रिवर्बेशन तो अब आई होप समझ में आ गया होगा एक लास्ट बार दोनों साउंड सुन लेते हैं पहले एको प्ले करते हैं हेलो 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 फिर प्ले करते हैं अपना रिवर्बेशन हेलो क्लियर समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा अब एक बार एको तो हमने देखो पूरा अपने बुकेश लैंग्वेज में सारी डेफिनेशन समझ ली है यहाँ पे रिवोवेशन को एक बार समझ लेते हैं इट इज दी परसिस्टेंस परसिस्टेंस मतलब कॉन्टिन्यूशन कह सकते हो या किसी चीज को खींचना ऑफ़ साउंड आफ्टर द सोर्स हैज स्टॉप प्रोड्यूसिंग इट जैसे वो जो हेलो खिंचता हुआ जा रहा है मैं हेलो बोल के चुप हो गई लेकिन वो आवाज गूंजती जा रही है मतलब जो आवाज प्रोड्यूस कर रहा है वो शांत हो गया जहां से आवाज प्रोड्यूस हो रही है वो बंद हो गए लेकिन आवाज अभी तक जा रही है ठीक है जी सो टू अवॉइड गूंजे ना क्या क्या किया जाता है पेंट वगैरह हो जाता है वो सब साउंड को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करते हैं नॉर्मल रूम में उतना सफिशियंट रहता है लेकिन जो स्टूडियो दिस इज अ स्टूडियो या हमारे जो जहां पे सॉन्ग्स वगैरह रिकॉर्ड होते हैं उसके लिए और ज्यादा चीजें करी जाती है जैसे साउंड पैनल्स लगा दिए जाते हैं जो साउंड को एब्जॉर्ब करे और थोड़ी सी भी आवाज गूंजे ना ठीक है सो नेक्स्ट है कारपेट्स आर पुट ऑन द फ्लोर सो जैसे यहां पे भी पूरा नीचे हमने कारपेट लगा रखे जिससे जो आवाज है क्योंकि वो माइक में रिकॉर्ड होनी है जरी वैसे आपस में हम बात कर रहे होंगे समझ नहीं आएगा लेकिन जब वो माइक में रिकॉर्ड होता है तो कभी कभी अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो आवाज गूंज सकती है और ऑडियो इतना अच्छा नहीं आएगा हो सकता है सो so, उसके लिए कारपेट्स वगैरह लगा लगाते क्योंकि वो भी हमारी साउंड को एब्जॉर्ब कर लेंगे हेवी करटेन्स आर पुट ऑन डोर्स एंड विंडोज टू एब्जॉर्ब साउंड करटेस वगैरह हैवी लगा सकते हैं वो भी साउंड को एब्जॉर्ब करेंगे पैन जहाँ पे इतनी तेज आवाज में मूवीज वगैरह प्ले करनी होती है तो वहां पे जो साउंड एब्जॉर्बिंग क्वालिटी वाले जो हमारे पैनल्स होते हैं वो इंस्टॉल किए जाते हैं ठीक है सो दिस वॉज अबाउट एक्ट रेवोब्यूशन सो so नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड अब ये साउंड जब मल्टीपल बार रिफ्लेक्ट हो रही है तो इसके कुछ यूज़ेस भी हो सकते हैं वो यूजेस क्या हो सकते हैं कहाँ हो सकते हैं वो देखते हैं सबसे पहले है इसमें हॉर्न स्टम्पलेट लाउड और मेगा फोन्स आर डिजाइन इन सच अ वे दैट साउंड कैन ट्रेवल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली विदाउटिंग आउट एवरीवेयर सो अब ये जैसे एक हॉर्न है जो हॉर्न किस लिए बना हुआ है जब आप ट्रैफिक में अगर आप देखो ट्राफिक में फे तो, तो आपको हर जगह से हॉर्न की आवाज आती है लेकिन वो इस तरीके से डिजाइन है कि वो पर्टिकुलर एरिया में उस हॉर्न की आवाज आएगी ऐसा नहीं है भाई आप चार किलोमीटर दूर बैठे हो रहे ट्रेवल हो रही है तो वो इस तरीके से बनाई जाती है कि लाउड भी हो मल्टीपल जगह से रिफ्लेक्ट होकर वो गूंज के वहां पर हॉर्न की आवाज सुनाई दे ऐसे टम्पलेट्स होते हैं लाउड हेलर ये सब यही काम करते हैं सो so, इसमें ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है इसको यूज किया जाता है देन दिस मेक्स इट ईजियर फॉर द ऑडियंस टू लिसन टू द स्पीकर ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स वर्क ऑन द फिनिना ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ये सभी चीजें उसी फिनोमिमा फिनिना जो हमारा है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे ही वर्क करता है नेक्स्ट है द मल्टीपल रिफ्लेक्शन इन अ अब सेथोस्कोप ट्यूब सबको पता होगा जो डॉक्टर्स लगाते हैं दैट इज अटेथोस्कोप सो वो उसकी ट्यूब में मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है उससे क्या होता है जैसे वो यहाँ पे आपके रखते हैं या स्टमक पे रखते हैं सो so आपकी हार्ट बीट उनको क्लियर सुनाई देगी कंजेशन है या नहीं स्टमक में कोई प्रॉब्लम है या नहीं सो so, वो एकदम क्लियर सुनाई देगा क्योंकि वहां पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रहा है सो द मल्टीपल रिफ्लेक्शन इन अ सेथोस्कोप ट्यूब मेक

वो डायरेक्ट लेकिन इसमें वो अलग अलग तरीके से एक रिफ्लेक्शन कॉज करेगा और एक वाइडर ऑडियंस को रीच कर पाएगी साउंड ठीक है तो इस तरीके से ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को यूज किया जाता है नाउ आई नो सेशन काफी लंबा हो गया हमारा नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव व्हिच इज रेंज ऑफ हियरिंग दिस वी आर गोइंग टू टेक इन दी नेक्स्ट सेशन सो आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड बाय